वालेकुम गाइस, तो की हाल चाल है? अभी आपको भाई आज रमज़ान है, आज पहला सहरी का दिन है। तो भाई अभी त्राई पढ़ के आए हूँ, तो एक का टाइम है। अभी आपको भाई माल मतलब बैठा था, देखा अचानक वहाँ चाहे छत पे आपको भाई छत पे आया भाई देख सकते भाई पूरा पे उसमें ठंडा रोजा गुजरेगा। पहला रमजान का कल रोज़ा है भाई सुबह, तो बड़ा प्यार रोज़ा गुजरेगा। तो सबको रमज़ान मुबारक यार। तो मैंने कहा आप लोग दिखा दूँ इतना प्यारा भाई मौसम है, देख सो भाई किस तरह चीज़ें हो रही हैं। अपने छत पे भाई इतना कुछ नज़र नहीं आएगा, रात को दिन को दिखाएंगे तब पे बड़ी लाइट्स पैक कर दो। बड़ा प्यारा मौसम है, बारिश होने लगी है, तो आपको मैंने कहा आप बता दूँ। हेलो भाई जान, अभी आपको भाई उठा रहा साइड के साइड साइड खा चुके हैं। तो भाई देखा आपको कह चलो आप बारिश दिखा दूँ भाई, कितने प्यारा बारिश का मौसम है यार। पहला रमज़ान की सहरी है और अलहमदिल्ला तला ने बारिश दे दी, ठंडा रोज़ा यार देख सकते हो भाई क्या अल्लाह की तरह है। आपको दिखाते हैं बारिश की किस कुछ हो रही है, ठीक है देख सकते हो भाई साहब भाई बारिश बड़ी तेज हो रही है। तो भाई देख सकते हैं भाई कितनी प्यारी बारिश हो रही थी, भाई देख सकते हो भाई कितनी प्यारी बारिश हो रही थी। अभी आपको दिखाई है मैंने खिड़की में दिखाई, ऊपर छत पे भाई दरवाज़ा खोलूँ तो दिक्कत होती है भाई, सारी ना किटारी हार जा रहे हैं यार फैनी भाई यार वो ऊपर से छत से दिखाता था पानी फिर अंदर आता है, इस वजह दरवाज़ा नहीं खोला। खिड़की से आपको दिखाया कितना प्यारा मौसम है लापटनी में, आज पहला रोज़ रमज़ान है और पहली रमज़ान की साड़ी और पहले रमज़ान भाई बारिश। तो मज़े करो भाई, जो लापटनी से भाई कमेंट कर दो भाई, मज़ा आ रहा है भाई। तो अभी आपको भाई नमाज शरीफ पढ़ के फिर सोने लगा है, फिर पता नहीं कब आँख खुलेगी, जरूर भी नमाज पढ़ेंगे फिर, तो उसके बाद ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के साथ रहेगा। तो हाँ जी भाई, अभी आपको भाई जोर की नमाज पढ़ के आया, ठीक है सो के उठाऊँ, अभी नमाज शरीफ पढ़ के आऊँ। तो मैं छत पर चलता हूँ, प्यारी ठंडी ठंडी हवा थी भाई, इतनी सर्दी नहीं थी गर्मी नहीं थी। आज छत पर आऊँ देखे गुड़े उड़े हैं, रमज़ान में भाई लोग गुड़े उड़ा रहे हैं देख सकते हो भाई साहब, इधर दो तीन उड़े थे। तो आपको भाई कहने कहा क्या करें, गुड़ा बनाएं या क्रिकेट खेलने जाएं? दोस्त कहते हैं आओ क्रिकेट खेलते हैं, वैसे टेस्ट मैच जो उस दिन खेला था हमने, ठीक है आपको बताया था, वैसे टेस्ट मैच खेलते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि रोज़ा भी लगा हुआ है मुझे थोड़ा बहुत आज, क्यों पता नहीं आज क्यों रोज़ा लगा हुआ है, ठंडा रोज़ा फिर भी यार रोज़ा लगा हुआ, भूख लगी हुई है और कुछ नहीं भूख लगी है। तो फिर इसी वजह से क्रिकेट कैसे कर दिया, अभी आपको भाई सोचता है कि काइट बनाते हैं शाम को उड़ाएंगे, देखता हूँ। तो भाई सारे का लाइक सब्सक्राइब कर दो, तो अभी कोई अच्छी सी काइट बनाते हैं, ठीक है टिंके पड़े हुए हैं उनको जोड़ के बनाते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे थोड़ी देर तक, तो दिखाते हैं वीडियो सारे का अभी। हाँ जी भाई जान, अभी आओ भाई ज़्यादा तक काइट बनाने का, और फिर मैंने कहा चौक पे जाके थोड़े पैसे सारे निकाल आते हैं। अच्छा दोस्त की दुकान पर गया हूँ, इसको जानते होंगे, इसको जानते होंगे भाई, पैसे निकाल दिए हैं, निकाल के आप देंगे ना, ये सुकून है। हाँ अल्लाह के बंदे रोज़ा चल रहा है। अच्छा और कुछ जल्दी का मुका बताए भाई, देखें टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं रमज़ान में ही। और भाई मैं टिकटॉक यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या टैक्स आ रहा है? तो अभी भाई पैसे निकाल के फिर सब्जी भी लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर बूटा खाते हैं। हाँ जी भाई यार सब्जी लेके आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रश था भाई, घंटा लगा है उधर, मैं गया हूँ सब्जी लेने में इतना घंटा लगा है ना, बहुत रश था। तो भाई खड़ा हो के थक गया हूँ यार, रोज़ा ही पस लग गया है। तो अभी घर आया हूँ, बहुत रश है यार ना पूछो, जगह ही नहीं है भाई जाने की, इतनी गाड़ियाँ और जगह ही नहीं है मारी घुसने की, पैदल भी बहुत रश है। तो मैं वहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता था, पर अभी आपको भाई घर आया, अभी टाइम थोड़ा रह गया, अभी गाइड बनाते हैं फिर से कि अजान हो जाएगी नमाज पढ़ के गाइड करते हैं, ठीक है अभी देखते हैं कैसी गाइड बनाते हैं सोचते हैं। तो फैनी भैया आज भाई आपके भाई ने सोचा कि येलो कलर का गुड्डा बनाते हैं, ठीक है इसको फिर मैंने इस तरह काटा तिनके के बराबर, फिर बाद वही सया तरीका जैसे आम गुड्डों को काटता हूँ भाई, एक साइड से सब पकड़े काटना है, ठीक है अभी मैंने तिनका देखा बराबर आ रहा है, तो ये चेक किया मैंने कहा ये चलो इसको मैंने तिनके को लगाया, ये थोड़ा मोटा तिनका था दरमियान वाला, मैंने कहा चलो बाद गुजारा चलेगा, दस्ती दस्ती काइट बनाते हैं क्योंकि भाई टाइम थोड़ा रह गया था। तो ये मैं साइड टेबल लगा दी, टिंका हिले ना,
पता है ग्लू से ना काउस फट जाता है, तो ढीला हो जाता है, इसे लगाता हूँ कुछ ना वजन ना पड़े उससे पेज पे। अभी आओ भाई यहाँ पे लगाना है, क्या क्या कहते हैं साइडों वाला तीला, ठीक है देख सकते हो भाई इस तरह मैंने पाँव रख के ना तीले काल लगाता हूँ। यहाँ से मेरा कैमरा थोड़ा हो गया था धुंधला, पता नहीं किसी ने हाथ मारा क्या हुआ, तो आपको सही नज़र नहीं आया। इस तरह भाई जी लगा देने, ठीक है हमारे जुड़ के हैं देख सकते हो। अभी मैं क्या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फिर मैंने वो इसी तरह कल की तरह ना मतलब जैसे दो कावे जोड़ के एक बड़ा सा पान बना लिया, एक डिज़ाइनिंग कलर का चेक कर सकते हो, डिज़ाइनिंग मतलब ना काटा मैंने। फिर मैंने क्या ऊपर क्या बनाऊँ यार, फिर मुझे दिमाग में तक कि भाई के इस तरह बनाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं चौकस नहीं लग रहा ये डिज़ाइन बनाते हैं, पर डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैं जो इसी डिज़ाइन से लगाते हैं। आए हाय हाय आगे भाई का गुड्डा हो चुका है फैनली तैयार, चेक कर सकते हो। अभी मैंने कहा यहाँ पे ना साइडों पे ना दरमियान में तीन को ना ऊपर वो लगा दें ऐसे ही पर छोटो मतलब तीन का ना ही ले। तो फैन मा भाई साहब गुड्डा तैयार हो चुका है, देख सकते हो भाई कितना चौकस लग रहा है। चेक करो बॉय जी, तभी भाई सर की टाइम हो चुका है, क्योंकि सर की मास पार के आते हैं इसको उड़ाते हैं। आज बड़ा प्यारा गुड्डा बनाया भाई, आगे पीछे खिलाते हैं आपको, चेक कर सकते हो भाई, चेक करो बाबा जी चौकस लग रहा है ना। अभी भाई सर मास पार के आते हैं उड़ाते हैं, रोज़ा थोड़ा लगा हुआ है तो उड़ा लेंगे, बहुत थक गया आज तो। अभी मास पार के आते हैं मिलते हैं। तो फैनी भाई अभी अवसर की मास पर क्या हूँ, अभी गुड़ा सूख चुका है देख सकते हो भाई, अभी आओ भाई गुड़ा उड़ाने का पूछा तो मोल खाते हैं भाई, ठंडी हवा बहुत तेज़ हवा है। और गुड्डे भाई आज नहीं उड़े इतने यार, ये दो दो तीन ही उड़े हैं, तो चलो फिर किसी के साथ भेजा करते हैं जोड़ते हैं, कने डाल के मिलते हैं आपको। कने डाल दिए हैं गुड्डे में देख सकते हो भाई, अभी उड़ा के चेक करते हैं, दूसरी छत पर जाके उड़ाते हैं, कैमरा भी फिट करते हैं देखते हैं भाई किधर कहा है, मुझे वहाँ का नहीं पता आज तो पता नहीं आज क्या क्या सीन है। बुढ़े बहुत उड़े हैं पर काशी चले हैं मतलब बहुत ऊंचे हैं। अभी यहाँ पर सेट करते हैं कैमरे को, सेट करते हैं भाई कितना प्यार है, भाई यहाँ से मैं वीडियो तेज़ कर दी भाई, गुड्डा जो था ना थोड़ा गड़बड़ कर रहा था भाई, बार बार गिर रहा था एक साइड पे, पता नहीं क्या हो गया था इसको, फिर मैंने सेट करके मैं उड़ाया ठीक है। फिर देख सकते हो भाई कितना प्यारा उड़ा भी है, चस आई है, फिर भाई ख़राब हो गया था, फिर उतारो नीचे मतलब फंस जाता था, फिर मैंने उड़ करके उड़ाया, चेक कर सकते हो भाई साहब बहुत मुश्किलों से उड़ फड़ा फड़ा के उधर आके इधर आके उड़ाता गया, पर उड़ा नहीं, आखिरकार मेरा गुड्डा ये हो गया। भाई देख सकते हो भाई गुड्डा शहादत होके आ चुका है ठीक है, ये एक साइड गिरता बोरा था फट चुका है, अभी इसको जोर के उड़ाते हैं यार। यार इस दीवार की वजह से ना, इस दीवार की वजह से बस सारा कांड हो रहा है, इधर चला जाता गुड्डा नज़र ही नहीं आता यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, चलो सेट करके उड़ाते हैं। वहाँ गुड्डा जुड़ चुका है देख, इस मेरे में गुड्डा रूंग लिया देख सकते हो भाई साहब, ये जो मैं उस दिन कल आपको चमेट दिखाया था इस घर में जुड़ाता है, ये चमेटता था गुड्डा इसने रूंग लिया देख सकते हो। तो अभी अपना गुड्डा उड़ाते हैं, सेट हो चुका है भाई देख सकते हो कितना गुड्डा मेरा कास गया, आगे देखो कितना गुड्डा उड़ रहा है, देखो मेरा कितना गुड्डा ऊंचा हो गया है, सेट करके भी उड़ाया सेट हो गया है ठीक है, देख सकते हो भाई साहब बहुत बड़ा गुड्डे हो रहे हैं आगे भाई, देखो यार क्या कमाल गुड़े हैं, मेरा गुड्डा देखो किधर चढ़ा हुआ है, चस आ गया यार, ये मेरा गुड्डा सही तन मजा हुआ है यार, काला कोई बेचे लगा रहा नहीं है मेरे साथ भी, देख सकते हो भाई साहब अभी किसी साथ पेचा लगाते हैं, बहुत गुड्डा आगे हो रहा है देख सकते हो। तो भाई अभी दो तीन पेचे दो पेचे काट चुका आपको भाई, गुड्डा देखो मेरा किधर तंग पे कस गया, बहुत ऊंचा हो गया यार, यकीन मानो चेक कर सकते हो भाई बहुत ऊंचा हो गया, ये काला गुड्डा रंगने वाले उड़े हैं सारे, आगे जितने दो तीन उड़े थे काट दिया भाई ने ठीक है। तो अभी उतारूँगा गुड्डा बहुत गुंडा है यार, अब उतारना नहीं है बस उड़ा के रखना है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार ये गुड्डा उड़ाने में, अभी आगे गुड्डा ही नहीं उड़ा इसके साथ चल गए, मेरे पर डोर ही थोड़ी कम है आगे, मैं डोर जा नहीं सकता जाता, गुड्डा ही ख़राब है घूमता है गिरने शुरू हो जाता है, जब खींचो ज़्यादा तेज़ गिरने शुरू हो जाता है, इस वजह से भाई ऐसे आप पकड़ को नहीं गिरता, तो अभी बस गुजारा है देखते हैं अभी आगे होता क्या है। तो हाँ जी भाई साहब भी रोज़े का टाइम होने का था, तो बाप भाई गुड्डा उतरा नहीं था, मैंने कहा चलो किसी पे चल गाते हैं, बस एक गुड्डा आगे उड़ा था वो ऊपर जो उड़ रहा है ना
और नज़र आ रहा होगा ये, इसलिए मुझे पता नहीं डोर कहाँ है। मैंने खींचा ऐसे ही, जोर से खींच रहा था मेरा गुड़ा काट गया, तभी जान छुटी यार। बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट आया था, घूमता था खींचने में, ना उतार सकता था ना तीर दे सकता था, तो वो अभी कट गया। अभी आओ भाई, डोर से पलटता है, डोर से पड़ी हुई है दीवार पर, अभी डोर पलटता है, फिर चलते हैं नीचे रोज़ा खोलना है। अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, अफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा सही गुजरा यार, प्यारा अच्छा सा गुजरा, इतना लगा नहीं है रोज़ा। तो कल इंशाल्लाह देखेंगे कोई और ब्लॉग आएंगे क्रिकेट के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड। आप सबको प्यार मेरे साथ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो। अभी आओ भाई, जाने का नीचे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।